उत्तर भारतीय रेल संघर्ष समिति द्वारा महारैली निकाली गई। उत्तर भारतीय रेल संघर्ष समिति द्वारा सूरत के अंबेडकर प्रतिमा से रैली निकाली गई, जो कि सूरत रेलवे स्टेशन के समीप जाकर समाप्त हुई। अपनी मांगों को लेकर समिति ने पहले ही ज्ञापन रेलवे और प्रशासन को दे दिया था। गुजरात में बसे उत्तर भारतीयों को रेलवे सफर के दौरान कई प्रकार की समस्याओं से गुजरना पड़ता था। उसी समस्या को संज्ञान में लाने के लिए यह विशाल मोर्चा निकाला गया था। आज उत्तर भारतीय रेल संघर्ष समिति द्वारा एक विशाल रैली का आयोजन किया गया है और ये रैली मान दरवाजा गांधी प्रतिमा के सामने से होकर के सीधा अपने अंबेडकर पुतला से होकर के सीधा ये जो है सूरत के रेलवे स्टेशन तक जाएगी और उत्तर भारतीयों की जो रेल की समस्या है उसको लेकर के किया गया और ये रैली लाखों की तादाद में अपने पार को लेने के लिए समस्त उत्तर भारतीय पूरे गुजरात से इकट्ठा हुए हैं। आज हमारे बीच में अब जो इसके आयोजक है मैं उनसे जानना चाहूँगा इस रैली का किस तरह से ये लोग आयोजित किए गए। मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पर प्रशासन और प्रशासन की भी पूरी व्यवस्था किया हुआ है और सारी यहाँ पे पूरी तरह से मुस्तैदी के रूप में सरकार ने पुलिस प्रशासन की भी व्यवस्था किया है और समस्त उत्तर भारतीयों के अधिकार की बात है और इन्होंने विशाल रैली का आयोजन करके गुजरात के कोने कोने से लोग यहाँ पे आ रहे हैं और लाखों की तादाद में यहाँ पे समस्त उत्तर भारतीय इकट्ठा हो रहे हैं। हमारे बीच में उस उत्तर भारतीय समिति के संयोजक माननीय श्री शैलेश भाई हैं और यदुवंत दुबे जी हैं। सर, ये जो रैली का आयोजन किया गया ये कहाँ तक जाएगा? शैलेश त्रिपाठी बोल रहा हूँ। आज उत्तर भारतीय समाज की रेल संघर्ष समिति द्वारा ट्रेन के लिए एक रेल आंदोलन किया गया है, उसकी रैली का आयोजन किया गया है। यह उत्तर भारतीय के सम्मान और स्वाभिमान का रैली है, अधिकार की रैली है। वर्षों से जो उत्तर भारतीयों की ट्रेन की मांग है उस मांग को सरकार नहीं पूरी कर पा रही, इसके वजह से मजबूरन आज उत्तर भारतीय समाज लाखों की संख्या में उमड़ पड़ा है। वो अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा है, अपने स्वाभिमान के लिए, अपने सम्मान के लिए लड़ रहा है, क्योंकि बहुत ही दिनों के बाद मांगते मांगते सरकार से थक हार करके मजबूरन उनको रैली निकालनी पड़ रही है। हमारे सांसद श्री भी इसको निग्लेक्ट कर रहे हैं, वो अलग अलग स्टेटमेंट दे के बोले बॉम्बे से चालू हो गई है, वहाँ महानामा चालू हो गई है, कल भी उनका पीसी था, लेकिन हम ये बोलते हैं कि सूरत से कितनी ट्रेनें चल रही हैं, सूरत से हमें कनेक्टिविटी चाहिए, न कि बॉम्बे से चल कर सूरत में हमें एक डब्बा मिले कि 4-10 सीट मिले, वो हम नहीं जानते। सूरत से ही ट्रेन चाहिए, सूरत से ही स्टार्ट होनी चाहिए। यूपी, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ जाने के लिए, क्योंकि यहाँ से तापी से वापी तक 20 लाख से 22 लाख के उत्तर भारतीयों की संख्या है, मेन सेंट्रल सूरत है। तो आपने देखा अभी हमारे बीच में माननीय श्री दुबे जी हैं। सर, ये बताइए कि इस रैली में कितने लोगों का लगभग उम्मीद है कि सब उत्तर भारतीय पूरे गुजरात से इकट्ठा होने के हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी इस रैली में साउथ गुजरात के जितने भी लोग हैं सब लोग इस रैली में काफ़ी से काफ़ी संख्या में उपस्थित होने के लिए संकल्पबद्ध हैं, क्योंकि हमारी तकलीफें कई वर्षों से चल रही हैं, हमारी मांगों पे ध्यान नहीं दिया जाता, इसलिए हमारे समाज ने यह निर्णय किया कि हम सरकार को मुंह तोड़ जवाब देंगे और जो भी हमारी मांगे हैं सरकार को इसी वर्ष दिवाली के पहले हमारी मांगों को पूरा करना होगा। हम कटिबद्ध हैं, हम उत्तर भारतीय हैं, हम लड़ना जानते हैं और लड़के अपने अधिकार को छीनना जानते हैं। सरकार को नतमस्तक होना होगा, सरकार को हमारी ट्रेनें देना होगा। हम समस्त उत्तर भारतीय एक हैं और हमारी मांगों को इनको पूरा करना होगा, क्योंकि तकलीफों का सामना करते हुए हम संस्कारिक हैं, हम उत्तर भारतीय समाज के लोग संस्कारिक हैं, हम प्रणाम करना जानते हैं, नमस्कार करना जानते हैं। अगर मुझे मेरा फल नहीं मिला, मेरा परीक्षा परिणाम नहीं आता, तो हम लड़के छीनना भी जानते हैं। अब वक्त आ गया है उत्तर भारतीय नहीं तो कभी नहीं। अभी आपने देखा यहाँ पे समस्त उत्तर भारतीय के जो समाज के अग्रणी है उन्होंने बातों बातों सरकार को समझाने का काम किया है। अगर सरकार इनकी बात को नहीं मानती है तो ये रैली बहुत बड़ी आगे चलकर उत्तर आंदोलन होगा। इसी के साथ में कैमरामैन अमरजीत के साथ ललनबीन सूरत। ललनबीन सूरत, समय नेशनल।